तो हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट 50 डे 1 ब्लॉक, जिसमें हमारा बेसिक से 3 गोल रहेंगे। पहला गोल है माइनक्राफ्ट हाउस बनाना, दूसरा गोल है एक ज़ॉम्बी फार्म बनाना, तीसरा गोल है एक वीट फार्म बनाना। ये सब मैं 50 डेज में कर पाता हूँ या नहीं, ये देखने के लिए आपको वीडियो देखना होगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी न्यू है इस चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आओ शुरू करते हैं माइन करना। और माइनक्राफ्ट 1 ब्लॉक शुरू करने के बाद मुझे मिली एक क्रेट, जिसमें कुछ से खाने के लिए और कुछ किताबें। फिर मैंने गोल वगैरह कुछ देर के लिए माइन करने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई, और क्राफ्टिंग टेबल बना के मैंने लगा दिए प्लैंक। प्लैंक बनाने के बाद मैंने किया एरिया को बड़ा। एरिया बड़ा करने के बाद मैंने किया देर माइनक्राफ्ट को 1 ब्लॉक में। माइन करने के बाद तो मुझे वो एक और चेस्ट मिली, जिसमें कुछ सैपलिंग और कुछ आइटम थे। वो माइन करने के बाद मैंने थोड़ी देर किया और माइन, और फिर मैंने मुझे दिखी एक काव, और काव के लिए मैंने थोड़ा सा बना दी एरिया और उसमें लगा दी सैपलिंग। उसको बड़ा करके मैंने कर ली कटिंग। कटिंग करने के बाद इस एरिया को किया थोड़ी देर बड़ा, प्लेन बनाई और किया बड़ा। बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 ट्री उगा लिए, और फिर मैंने शुरू की माइनिंग। शुरू करने के बाद कुछ सीवर और मुझे मिल गया 1 ब्लॉक, जिसमें माइनिंग करने के लिए मैंने बनाई फिजिक्स बनाकर। फिर मैंने शुरू किया उसको ब्लॉक, और फिर आई मुर्गा उसको साइड में करके फिर मैंने कुछ देर की माइन। कुछ देर माइन करने के बाद मुझे मिली एक सेट, जिसमें एक और सेट में थी एक और सेट थी। और लेने के बाद मैंने किया एरिया को बड़ा, और जानवर को किया कैद। कैद करते हैं मैंने कुछ देर तक किया ट्रिक को कटिंग। कटिंग करने के बाद मैंने किया थोड़ा एरिया को बड़ा। एरिया बड़ा होने के बाद वहाँ पर मैंने और भी ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए की जगह। यहाँ पर कुछ टाटा लग गई, और डॉट लगाने के बाद मैंने इसके बाद लगा दी यहाँ पर एक साइड में सिस्ट लगाई, और मेरा आइटम पूरा था वो एक सिस्ट कंप्लीट कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पर लगा दी ट्री। ट्री लगाने के बाद इसको किया थोड़ा बड़ा। बड़ा करने के बाद इसको पूरी कटिंग। कटिंग करके मैं आ गया था 1 ब्लॉक को माइन करने में। 1 ब्लॉक को माइन करने के बाद फिर वापस से ट्री हुई, तो मैंने उस ट्री को बड़ा किया, और वो बहुत बड़ा पेड़ हो गया, जिसको मैंने माइनिंग करना शुरू कर दिया। उसको माइनिंग करके मैं फिर शुरू हो गया 1 ब्लॉक को थोड़ा बड़ा करने के लिए। 1 ब्लॉक को बड़ा करके मैंने थोड़ी सी की जगह, और जगह होने के बाद मैंने वहाँ पर लगा दिया ट्री। मैंने पूरा कम्प्लीट ट्री करने के बाद मैंने किया थोड़ी देर माइनिंग क्राउड 1 ब्लॉक में, और फिर मैंने बना दिया जानवरों के लिए एक घर। और फिर काला लस देखे मैंने बुला दिया जानवरों के अंदर, और यहाँ पर उसकी कैद गई। मैंने सबको किया कैद, और मुर्गी को एक चाटा मारा, उसको भगाया अंदर। फिर किया मैंने माइन, फिर वहाँ पर मुझे फिर मुझे बहुत सारे ब्रेड मिल गए, और पानी के बकेट को सैपलिंग और एक्स पिकेक्स मिल गए। वो सब लेने के बाद मैंने शुरू किया शुरू माइनिंग 1 ब्लॉक। फिर 1 ब्लॉक और भी कुछ भी है फेस कंप्लीट। इस फेस को कंप्लीट करने के बाद तो मैंने बनाए एक बेड, और बेड बना के मैं सो गया। और फिर मैंने किया कुछ ज़्यादा ही फ्लिंग बनाए। फ्लिंग बनाने के बाद मैंने किया कुछ बड़ा ही एरिया। बड़ा करने के बाद रात हो गई, तो मैं चले जाकर सो गया। तो इस डे के 2 डे कंप्लीट होते हैं, और फिर मैंने
किया, यहाँ पर डॉट लगाकर उस बनाने लगा वेट फार्म। यहीं पर एक पास में बना दिया तो मैंने एक और एरिया जिस पर मैंने लगा दिया सैपलिंग का एरिया, और अभी मैं यहाँ पर लगा दूंगा वो सैपलिंग। यहीं पर मैंने दो एरिया बड़ा कर दिए और सैपलिंग दोनों लगा कर यहीं पर मैं बनाना शुरू कर दिया एक जंपी फार्म। तो उसके लिए मेरे पर आइटम पूरे थे, तो अभी मैं करता हूँ शुरू इसको बनाना। तो अब थोड़ा सा देखो फिर मैं शुरू करता हूँ इसे बनाना। तो मैं उसको कंप्लीट करके आ ही रहा था नीचे, और नीचे फिर जाऊँगी फिर देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। ये मकड़ी आई और ये गया। टाटा बाय बाय। अब ये मैं और भी देख लो म्यूजिक। इसके बाद मैंने इसको मार कर फिर आ रहा था, तभी आ गई मेरे पास को पड़ गई रेड। रेड पड़ने के लिए मैं भागा, कभी भाग नहीं पाएगा। नहीं पड़ी मुझे मार दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इतने सारे स्पॉन हो गए, मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पर छुपा और ये साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कभी मैं देख इसे भागने लगा, ये पीछे ही पड़ गया। इसको मारने लगा फिर मैं यहाँ से भाग गया। इसके पीछे अगर सब गया यहाँ पर मैं देख रहा था कि वो गए कि नहीं गए। कभी देखना यहाँ पर क्या होता है। वो सामने देख रहे हैं, वो मारी वो खड़ा। फिर मैंने सबके सेवा कर मैंने कुछ की पेड़ माइन। फिर माइन करने के बाद मैं गया कुछ टूल बनाने के लिए। यहीं पर बने एक क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने बनाए कुछ टूल। टूल बनाने के बाद मैं गया था उन ब्लॉक को माइन करने के लिए। उन ब्लॉक को माइन करने के बाद मैंने किया थोड़ा सा एरिया को बढ़ा, जो टूट गया था उसी को किया सही। यहीं पर कुछ स्टोन के टूल बनाकर मैंने किया एरिया को सही। वीडियो चाहिए होने के बाद मेरा पूरा गुस्सा मैंने सब चौंकी पर निकाल लिया। और यहीं पर मुझे ये इसके ऊपर से मैंने निकाल कुछ वो, और फिर बनाए मैंने एक और ब्रेड। ब्रेड बनाने के बाद फिर मैंने वहाँ पर लगा दिया, और फिर मैंने किया खास कुछ देर तक ट्री माइनिंग। ज़्यादा माइनिंग करने के बाद मैं आ गया था जंप फार्म पर। यहीं पर आए थे जंप विलेजर जॉम्बी। तो अभी इसको मुझे क्रिएट करने का यहाँ पर, तो इसको मैं अभी निकलता हूँ बाहर। तो मैंने निकाल दिए दोनों को बाहर। यहाँ पर मैंने चार दोनों को बाहर निकाला, फिर एरिया भर दिया सही। और फिर मैं आ गया था इधर मुन ब्लॉक को माइन करने। यहीं पर आयरन को और कुछ मिल रहे थे, फिर मैंने किया ट्रिपाइन को माइन। यहीं पर
अच्छा ट्रिक ये माइंड माइंड करने के बाद मैंने कुछ किया, वो क्या किया वो मुझे नहीं पता। फिर मैं आ गया था यहाँ पर वन ब्लॉक को माइनिंग करने के लिए। वन ब्लॉक माइनिंग करने के बाद मैंने किया एक तरफ एक और एरिया बड़ा जिस पर बना गन हाउस। तो यहाँ पर ही मैंने किया एक स्टोन फार्म बनाया। स्टोन फार्म बना के मैंने किया कुछ देर तक स्टोन माइन। तो मैं करने जा रहा हूँ स्टोन माइन। फिर मैंने काफ़ी देर तक किया स्टोन माइन और फिर दो चेस्ट ऑलमोस्ट भर गई थी। फिर मैंने यहाँ को इसको स्टोन को लगा दी स्मेल्टिंग के लिए। तो यहीं पर मैं सबको लगा कर फिर तो एडिट किया माइन और फिर मैं कैसे लगाया ट्री माइनिंग करने। फिर मैं यहाँ पर करता हूँ ट्री माइनिंग शुरू। तो अभी आप देखो चेस्ट भर दी और इसके बाद मैंने शुरू किया एक घर बनाना। इस सामान को लेकर गए मैं पूरा घर बनाना उस जगह पर। उस जगह पर ले जाने के बाद मैंने किया घर बनाना शुरू। यहीं पर कुछ स्टोन की टूल बनाए फिर मैंने घर बनाना शुरू किया। यहीं पर रात हो गई तो मैं सो गया। सोने के बाद दिन लग दिन मैंने किया घर बनाना शुरू। तो अभी आप देखो ये वाला एरिया था। तो अभी मैं उसको करता हूँ शुरू करने में। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा था। अभी करते पूरा कंप्लीट इसको कुछ की मैंने डिजाइन करके फिर मैंने इसको किया कंप्लीट। कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया था यहीं पर जंप फार्म पर। मैंने यहीं पर कुछ जंप और स्क्रीन को मारा फिर मुझे यहीं पर मिल गई थी कैरेट जिसको मैंने ले जाकर फार्म पर लगा दिया। फार्म पर लगाने के बाद मैं शुरू हो गया था घर बनाना। घर बनने के बाद मैंने पूरी तरफ कर दिया फेंसिंग। कभी मैं घर ले जाने से लिए और फिर मैंने कुछ सैपलिंग के पत्ते लिए और फिर मैं शुरू हो गया डेकोरेशन करना। पूरी तरफ किया डेकोरेशन। फिर मैंने बनाया एक ये हाउस ये फार्म ये वीट फार्म और ये चाउंड पिकलिंग फार्म। तो आज के वीडियो में इतना ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वन ब्लॉक का ये 50 डेज है और 100 डे कंप्लीट करना है तो इसीलिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो इसी पर आएगा 100 डे कंप्लीट करने पर।